जी ये फीमेल है। जी ये फीमेल है और प्रेग्नेंट है ये फीमेल। जी फिजेंट के बारे में बताएं। जी ये सिल्वर फिजेंट का पेयर है। जी ये हीरा का पेयर है। जी ये हीरा का पेयर है। और ब्रीड है। जी ये जर्मन शेफर्ड की फीमेल है। जी जर्मन शेफर्ड फीमेल है, सिंगल कोट में। फाइनल कितने का हो जाएंगे? फाइनल ये 10,000 रुपये का ही हो जाएगा आपके लिए। वाइट वाला ये देख रहे हैं आप, पार वगैरह ये देख रहे हैं, बिल्कुल ये झाड़ में अभी इस कंडीशन में। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं जहाज़ेब जमशेद। एक बार फिर से हम लोग मोहसिन साहब के पास आए हैं। आज यहां पर इनके बर्ड्स देखेंगे और उनसे मुतालिक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले मोहसिन साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? करम आप। अल्लाह का शुक्र। पिछली दफ़ा तो बकरियाँ दिखा देते हैं, आज कौन कौन से बर्ड्स दिखाने हैं? बर्ड्स मेरे पास टर्की मौजूद है, मोर हैं, पाइंट्स वगैरह में और नस्ल भी है, फिजेंट भी है, मैं आपको वो दिखा दूँ। चलें नज़र डालते हैं आपके बर्ड्स के ऊपर। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं। आइए व्यूअर्स, बर्ड्स पे नज़र डालते हैं इनके, एक ओवर भी दिखाते हैं आप लोगों को। जी फिजेंट के बारे में बताएं। जी ये सिल्वर फिजेंट का पेयर है और इसकी डिमांड जो है ये 20,000 रुपीज़ है। 20,000 रुपीज़? जी। तो ये मैच्योर पेयर है? जी बिल्कुल मैच्योर पेयर है, ब्रीडर पेयर है। ब्रीडर पेयर है ये? जी। कुछ कमी पेशी होगी इस पेयर में? जी बिल्कुल कमी पेशी हो जाएगी इसमें। कितने का होगा फाइनल? ये फाइनल 18,000 रुपये का हो जाएगा। फाइनल 18,000 रुपये? जी। अच्छा ब्रीड करता हुआ जोड़ा? जी ब्रीडर पेयर है ये। जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने टर्की भी रखे हुए हैं, इनके बारे में बताएं। जी ये वाइट पेयर टर्की का है हमारे पास, वो अभी यंग हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट ब्रीड करेगा ये हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा 12,000 रुपये आपके व्यूवर्स के लिए। ठीक है ठीक है। और ये जो ब्लैक वाले नज़र आ रहे हैं, ये भी एक पेयर है और एक इसमें नर है, ये भी 12,000 रुपये पेयर है के हिसाब से। 12,000 रुपये के पेयर के हिसाब से? जी। फाइनल कितने के हो जाएंगे? फाइनल ये 10,000 रुपये का ही हो जाएगा आपके लिए। और वाइट वाला? जी वाइट वाला भी 10,000 में। जी मोर के बारे में बताएं। ये मोर के पट्ठे हैं, ये 15 महीने के पट्ठे हैं, ये जो पेयर आप खुला हुआ देख रहे हैं 15 महीने के पट्ठे हैं। जी। तो पेयर कितने का देना? ये पेयर जो है ये 22,000 रुपये का पेयर है। 22,000 रुपये का पेयर है? जी, ब्लैक शोल्डर में ये। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ नीचे भी केज में रखे हैं? जी ये नीचे केज के अंदर जो है वो हमारे पास ब्लैक शोल्डर भी है, ब्लू शोल्डर और पॉइंट के पट्ठे हैं मौजूद। ये सारे चिक्स हैं? ये जहाँ सारे चिक्स हैं। कितने महीने के? ये तकरीबन 8-9 माह के हैं ये। अच्छा 8-9 माह के। ये कितने कितने के? जी ये भी 18,000 रुपये के फाइनल रेट। 18,000 रुपये के फाइनल? जी। जोड़े के बता रहे हैं? जी जोड़े के पेयर के। बड़े के कितने बताएं? बड़े के 22,000 रुपये पेयर। 22,000 रुपये का बड़ों का पेयर? जी। और फाइनल कितने हो जाएंगे? फाइनल ये आपके व्यूवर्स जो आएंगे वो उनके लिए हम डिस्काउंट बिल्कुल करेंगे और ये फाइनल फाइनल जो है 20,000 रुपये का पेयर हो जाएगा। फाइनल 20,000 रुपये? जी फाइनल 20,000। चिक्स में कुछ कमी पेशी होगी? चिक्स में भी बिल्कुल कमी पेशी हो जाएगी। जी व्यूवर्स आपका आएगा यहाँ पर तो उसके साथ बिल्कुल डिस्काउंट के साथ हम उसको देंगे। कितने का देंगे फाइनल? फाइनल ये 15,000 रुपये के हिसाब से दे देंगे। जी मोहसिन साहब अब क्या दिखा रहे हैं व्यूवर्स को? जी अब मेरे पास चिंकारा का पेयर है हिरन का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चिंकारा का पेयर? जी ब्रीडर पेयर है। चलें देखते नज़र डालते हैं। जी जी ये चिंकारा का मेल है? जी ये चिंकारा का मेल है और ये टैम मेल है। टैम मेल है ये? जी बिल्कुल टैम है, इसको बाहर पट्टा डाल के घुमाएं बिल्कुल ये कुछ भी नहीं करता। अच्छा तो इसकी एज कितनी है? इसकी एज ये तकरीबन जो है वो अभी 2 साल के हैं। 2 साल के? जी 2 साल। अच्छा ये फ्रेंडली है, डरता तो नहीं? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डरता, फ्रेंडली है बिल्कुल। आप इसके रूम के साथ इसको लेकर बैठे गार्डन में खोलें ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता। जब भी मैं देख रहा हूँ कैमरे के करीब आया हुआ। जी ये बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहा, ये नए बंदे को देखकर भी नर्वस नहीं होते। बाज इतने ऐसे देखे हैं कि वो बिल्कुल नए बंदे को देखकर ना बिल्कुल पीछे भागते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेंडली है और ये कुछ नहीं कहते। अच्छा साइज़ में फुल हो चुका है? जी साइज़ में फुल है, ब्रीडर पेयर है। ब्रीडर पेयर है? जी। इसकी फीमेल किधर है? इसकी फीमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये फीमेल है? जी ये फीमेल है और प्रेग्नेंट है ये फीमेल। प्रेग्नेंट है? जी प्रेग्नेंट है फीमेल। जी पेयर की डिमांड क्या बता रहे हैं? जी पेयर की डिमांड 180 है। 180 है? जी 1,80,000 रुपये। अच्छा कुछ गुंजाइश है इस पेयर में? जी बिल्कुल गुंजाइश हो जाएगी इस पेयर में, गुंजाइश हो जाएगी। ये बताएं कि ये साल में कितनी दफ़ा ब्रीड देते हैं? साल में इनका भी बकरी वाला हिसाब है, ये साल में 2 बार ब्रीड देते हैं। 2 बच्चे देते हैं? जी नहीं, बच्चा एक देती है फीमेल और ये साल के अंदर 2 मरतबा ब्रीड करती है। साल के अंदर 2 मरतबा ब्रीड? जी 2 मरतबा ब्रीड करती है। तो कारोबार के लिहाज से कैसे हैं? कारोबार के हिसाब से ये बहुत अच्छे कारोबार है इनका, कारोबार इनमें बेहतर है। अगर इनको क्वांटिटी में रखा जाए तो? क्वांटिटी में रहता जाए तो ब्रीड करते हैं ये। एक मेल जो है तकरीबन 4-5 फीमेल वो एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा इनकी केयर किस तरीके से करते हैं? इनकी भी केयर बिल्कुल बकरियों की तरह है। क्या खिलाते हैं इनको? इनका भी लूसन है, सैप है, मिक्स दाना है, ये खाते हैं, ये सब खाते हैं? जी बिल्कुल बकरी वाले खाते हैं दाना। और इनकी फेवरेट डाइट क्या है? इनकी फेवरेट डाइट जो है ये सेब है, एप्पल। एप्पल खाते हैं? जी एप्पल शौक से खाते हैं ये। अच्छा ये बताएं हिरन दोनों टेम है? जी बिल्कुल ये हिरन दोनों टाइम है। कितने अर्से से आपके पास ये? हमारे पास तकरीबन 5 महीने से मौजूद है।
पाँच महीने से मौजूद? जी पाँच माह हो गए। अच्छा एक सवाल करना चाहूँगा, आपने सेपरेट क्यों किया दोनों को? सेपरेट की वजह यह है कि फीमेल जो है वो प्रेगनेंट है। अच्छा इसलिए सेपरेट किया? जी बिल्कुल इसलिए सेपरेट किया हुआ। वैसे आपका तजर्बा क्या कहता है, एक मेल के साथ कितनी फीमेल छोड़नी चाहिए? एक मेल के साथ तकरीबन वो मेल जो है चार से पाँच फीमेल एडजस्ट कर लेते हैं। चार से पाँच फीमेल एडजस्ट कर लेते? जी बिल्कुल कर लेते। अच्छा ये बताएं कि ये ब्रीड कब तक करेगा? ये ब्रीड हमारे पास जो मौजूद है इसने तकरीबन एक महीना हो गया ये प्रेग्नेंट हुए हुए इसको, अब ये तकरीबन तीन से चार माह लेगी, इसके बाद ब्रीड कर देगी। वैसे अमूमन पाँच महीने लेती है? पाँच से छः महीने ब्रीड करने में लेती है अमूमन। तो ब्रीडिंग वगैरह के लिए कुछ केयर से मुतालिक आप देते हैं इनको? नहीं केयर, कुछ डाइट बस वो है एप्पल वगैरह जो है वो देते हैं हम इसको। एप्पल वगैरह? कैल्शियम के लिए कुछ देते हैं? कैल्शियम के लिए वही लूसन वगैरह विटामिन इनके जो आते हैं वो उनको देते हैं प्रॉपर। अच्छा नेक्स्ट में क्या दिखा रहे हैं? ये नेक्स्ट में मेरे पास मुर्गा मुर्गी का एक पेयर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये हीरा का पेयर है? जी ये हीरा का पेयर है। प्योर ब्रीड है ये? प्योर ब्रीड है। अच्छा इसकी आईज दिखाएगा कैमरे की तरफ? आईज बिल्कुल ये देखें आप इसकी आईज भी बिल्कुल ये प्योर हीरा है, वाइट है। वाइट पेयर की डिमांड क्या है? पेयर की डिमांड है ये 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? जी नीचे छोड़ेगा ये प्योर ब्रीड है। इस पेयर की एज कितनी है? इसकी एज अभी तकरीबन 2 साल हो गए मुर्गे की और मुर्गी 1 साल की है। मुर्गी अंडों पर है? जी बिल्कुल अंडों पर है। और ये बताएं मुर्गे का वेट कितना है? मुर्गे का वेट ये तकरीबन 4 किलो वजन पर है। कुछ कमी पेशी होगी पैर में? बिल्कुल कमी पेशी हो जाएगी। कितने का देंगे फाइनल व्यूअर्स? ये फाइनल जो हो जाएगा 22,000 रुपीज़ का। अच्छा आप क्या दिखा रहे हैं व्यूअर्स को? अब जो है वो हमारे पास एक मुर्गा है जावा पंजाब का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पंजाब का है? जी चलिए वो भी देख लेते हैं। जी वो दिखाते हैं आप। जी जावा का पेयर दिखा रहे हैं? ये जावा का पेयर है। छोड़िएगा इसको जरा नीचे। जी बिल्कुल। क्या डिमांड है इस पेयर की? इस डिमांड की डिमांड 15,000 रुपये। पेयर की डिमांड 15,000? जी 15,000 रुपये। प्योर ब्रीड है ये? प्योर ब्रीड है और मुर्गे का वजन इस वक्त 10 किलो पर है। कितना है? 10 kg। 10 kg है मुर्गे? जी बिल्कुल माशाल्लाह। तो मुर्गे की एज कितनी है? मुर्गे की एज ये 2.5 साल का है। और मुर्गी की? मुर्गी भी 2.5 साल की। तो मुर्गी अंडों पर है? बिल्कुल अंडों पर है मुर्गी। पेयर की अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने का हो जाएगा? ये बिल्कुल फाइनल जो है तकरीबन 12,000 रुपये का हो जाएगा। ये 12,000 रुपये? जी बिल्कुल 12,000 रुपये का फाइनल। जी अब क्या दिखाने व्यूअर्स? अब मैं आपको ब्लैक तीतर दिखाता हूँ। ब्लैक तीतर दिखा? जी काला तीतर। जी ये काला तीतर है? जी काला तीतर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आवाज़ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल आवाज़ कर रहा है, अभी सीजन इनका ऑफ है तो ये अभी झाड़ में लगा हुआ है। तो कुछ आवाज़ करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल अभी इनको दिखाते हैं। जी इनसे आवाज़ करवाइएगा जरा। जी अभी सीज़न इनका ऑफ है, ये झाड़ में लगे हुए अभी, तो अभी आवाज़ नहीं करेंगे? नहीं आवाज़ अभी नहीं करेंगे। ये तो फॉर सेल है? जी ये फॉर सेल है। कितने का देंगे काला तीतर? ये चक्री में मुकाबले के अंदर ये लगता है, मुकाबला इसका होता है काले तीतर का, तो ये 25,000 रुपीज़ का है। 25,000 रुपये का? 25,000 रुपये? जी ब्लैक तीतर। और वो फीमेल है भूरे तीतर की, वो जो है तकरीबन 8,000 रुपये की हो जाएगी। 8,000 रुपये के भूरे तीतर की? भूरे तीतर की फीमेल है। काले तीतर में कुछ कमी पेशी होगी? काले तीतर में बिल्कुल कमी पेशी हो जाएगी। इनका ये होता है कि मार्केट्स के हिसाब से होता है, ये मुकाबले के अंदर विन भी करते हैं ये। अच्छा ज़रा इनको उठा के दिखाएगा, एज में समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप पर वगैरह, ये देख रहे हैं बिल्कुल ये झाड़ में अभी इस कंडीशन में। अच्छा टेल नहीं है इसकी? जी टेल भी नहीं है और पर वगैरह इसने बिल्कुल झाड़े में। इसे कलर आएंगे या इसी काले कलर में? नहीं नहीं बिल्कुल कलर इसके अंदर वाइट कलर आएगा, गोल्डन कलर आएगा। ये कान आप देख रहे हैं बिल्कुल अभी काले हुए हैं, ये इसके पर यहाँ से हटे हुए, ये पर बिल्कुल जब क्लियर लेकर आएगा तो ये बिल्कुल वाइट कांस हो जाएंगे, इसके धूम वगैरह सब आ जाएगी। अच्छा तो ये बताएं इसकी एज कितनी है इस वक्त? इसकी एज 2 साल है। 2 साल का? जी 2 साल का। अच्छा भूरे तीतर की फीमेल भी दिखा देगा? जी बिल्कुल। जी ये ब्रीडर फीमेल है? जी ये ब्रीडर फीमेल है और ये भूरे तीतर कहलाता है। तो ये कितने की देना? ये 8,000 रुपये की। 8,000 रुपये की? जी। अच्छा ये बताएगा ईरानी है दखनी है? ये दखनी है। दखनी है? इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 2 साल होगी ये भी। 2 साल की है? जी। जी बताएं फाइनल कितने की हो जाएगी? फाइनल ये 6,000 रुपये की हो जाएगी। 6,000 रुपये की? जी बिल्कुल फाइनल। काला तीतर? काला तीतर जो है ये 22,000 रुपये का हो जाएगा फाइनल। ठीक है नेक्स्ट में व्यूअर्स को क्या दिखाना है? नेक्स्ट में अब जर्मन शेफर्ड की फीमेल है मेरे पास ब्रीडर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये जर्मन शेफर्ड की फीमेल है? जी जर्मन शेफर्ड फीमेल है, सिंगल कोट में। ये सिंगल कोट में? क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड 70,000 रुपये। 70,000 रुपये? जी। अच्छा प्योर ब्रीड है ये? प्योर ब्रीड है। पेडिग्री? नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री है? जी। तो ये बताएं इसकी एज कितनी है? इसकी एज 2.5 साल है। 2.5 साल की है? जी। ये पहले हमारे पास ब्रीड दे चुकी है, ये 2 बार ब्रीड दे चुकी है, अभी हीट पर ये 1-2 महीने में हीट पर आ जाएगी।
अच्छा ये बताएं कि क्या खिलाते हैं इसको आप? इसको खाने में दलिया है, दूध वगैरह ये खाती है। डॉग फूड तो नहीं खिलाते हैं? डॉग फूड हफ्ते में एक से दो बार देते हैं इसको। हफ्ते में एक से दो दफ़ा डॉग फूड देते हैं जी। अच्छा ये बताएं वैक्सीनेशन करवाई है आपने? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन प्रॉपर इनकी वैक्सीनेशन हुई है। एग्रेसिव तो नहीं, अगर कोई फैमिली के साथ रखना चाहे? बिल्कुल ये फ्रेंडली है, हर किसी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ फ्रेंडली है। तो क्या कमी पेशी होगी इसमें? इसकी कमी पेशी ये है कि आपके व्यूवर्स के साथ ये 60,000 की हो जाएगी फाइनल। 60,000 की होगी व्यूवर्स के लिए? फाइनल बिल्कुल आपके व्यूवर्स के लिए। जी मोहसिन साहब, जितनी भी आपने ब्रीड दिखाई है इसमें कमी पेशी करके देंगे व्यूवर्स? बिल्कुल, आपके व्यूवर्स जो भी हमारे पास कांटेक्ट करेगा उसको कमी पेशी करते हैं। ये चीज़ आपके पास अवेलेबल मिल जाएगी अगर ये सेल हो जाती है, जैसे आपने एक एक चीज़ दिखाई है तो जी अरेंज करके आप दे देंगे? बिल्कुल अरेंज करके दे देंगे। ये इसी तरीके से जो भी ब्रीड हमारे पास होगी वो अवेलेबल होगी, तो हम इसको बिल्कुल अरेंज करते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0345332011। अच्छा, अगर कोई केयर से मुताल्लिक भी आपसे पूछना चाहेगा तो आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। अच्छा एक चीज़ तो मैंने पूछी नहीं आपसे, ये बताएं कि आपको कितना तजर्बा है डॉग्स में, हिरन में और बर्ड्स में? देखें बचपन से हमारे घर में तो ये जानवर मौजूद हैं, ठीक है, ये सेटअप हमारे पास बचपन से जब मैं पैदा हूँ जब से मौजूद है, लेकिन मुझे जो है ये 15 साल का तजुर्बा है इसके अंदर। आपका इसके अंदर 15 साल का? जी बिल्कुल 15 साल का तजुर्बा। तो अगर कोई हेल्प ही लेना चाहेगा तो हेल्प कर? जी बिल्कुल हेल्प करेंगे उसके। चलिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0345332011। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। चलिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आज हमने मोर देखे यहाँ पर, टर्की देखे, इसके अलावा यहाँ पे मुर्गों के भी हमने जोड़े देखे, एक हिरन नस्ल का देखा मुर्गा यहाँ पर, जावा नस्ल का देखा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आएगी। साथ साथ हमने जर्मन शेफर्ड भी देखा, सॉरी जर्मन शेफर्ड मेंशन करना भूल गया था। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग की खिदमत में इसी किस्म के प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेटअप की कवरेज के साथ आप लोगों के से मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।